हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? यार आज तो कमाल ही हो गया। गए थे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के लिए। एक बार ब्रेकफास्ट कर लिया हमने तो हमें थोड़ा सा खाना अच्छा लगा, हमने चलो दोबारा खा लेते हैं यार। हमने स्लिप कटा लिया, अब हमने पेमेंट किया, पेमेंट ही फेल। फ़ोन पे 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, तीनों बार फेल। फिर हमने क्या सोचा, हमने चलो गूगल पे कर देते हैं यार। गूगल पे किया, वो भी फेल। अब क्या करें यार, पर्स भी नहीं लेकर के आए थे, भूख भी लगी थी, स्लिप भी कट गई, अभी क्या करें। तो चलो किसी तरह से उधार में आज के दिन खाना खाना पड़ा हमें। फिर घर पे आए, हमने सोचा चलो पानी पी लेते हैं। अभी पानी पीने के लिए जैसे ही कैन ऑन किया, पानी तो कम था उसमें, तो हमने सोचा चलो पी लेते हैं। तो हमने चलो फिल्टर भी ऑन कर देते हैं, रात में वोल्टेज हाई हो जाता है इसलिए अभी ऑन करके देख लेते हैं, पानी भर जाएगा आराम से। तो जैसे ही कैन ऑन किया, कैन ऑन हुआ, उसके बाद में ऑफ हो गया। हमने ये क्या, सप्लाई चली गई क्या? देखा तो सप्लाई भी अवेलेबल है। तो फिर जब चेक किया मल्टीमीटर से तो सॉकेट में भी सप्लाई आ रहा था। हमने बोला यार अब तो प्रॉब्लम हो गया, अभी पानी कहाँ से पियेंगे, अभी सिटी में तो है नहीं कि हम इसको रिपेयर करवा सकेंगे, तो अब क्या करें अभी। तो हमने उसको, हमने चलो अभी इसको देखते हैं, खोलते हैं इसको, क्योंकि आउट ऑफ वारंटी हो चुका था तो वारंटी पीरियड में तो है नहीं। वैसे भी इंजीनियर के पास लेके जाएंगे तो पैसे लगेंगे। हमने बोला घर में ही जब इंजीनियर बैठा हुआ है तो क्या बाहर लेके जाना, ले आओ इसको खोलते हैं आज। तो हमने खोला, देखा तो SMPS देखा, हमने सोचा SMPS खराब हो सकता है, तो SMPS को खोला, देखा तो SMPS तो सही दिखा। हमने बोला अब तो बड़ी टेंशन हो गई, SMPS खराब होता तो मेरे पास था, मैं आई कैन रिप्लेस इट और उसको सही भी कर सकते थे। अभी अंदर क्या सर्किटरी में लगा होगा वो तो पता नहीं। तो हमने बोला अब क्या कर सकते हैं, हमने ठीक है खोलो इसको देखेंगे। खोलने की कोशिश की, किसी तरह से खोल दिया, बहुत मुश्किल लगा खोलने के लिए क्योंकि हमारे पास उतना अच्छा टूल्स तो है नहीं, क्योंकि अंदर साइड में पूरा मेमोरीज को निकालना है फिर खोलना है। तो हमने चलो मेमोरीज भी निकाल दिया, खोल दिया, फिर देखा कि 24 वोल्ट की सप्लाई तो सही है। और कार्ड को कैसे खोल सकते हैं, कैसे देखें, कैसे पता चलें, कैसे ट्रबल शूट करें कि कार्ड सही है कि नहीं सही है, अंदर का जो कंट्रोलर है, देखा तो उसमें लाइट ही नहीं जल रही है। तो किसी तरह से खोल दिया हमने, फिर उसमें रीसेट बटन था, उसको प्रेस किया तो भी नहीं हुआ कुछ। तब हमने फाइनली देखा कि अभी क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको लाइव भी दिखाते हैं वहाँ पे कि मैंने हमने क्या किया है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और कभी भी आपको ऐसे प्रॉब्लम होगा तो आप भी इस तरह से करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, और बाद में कुछ आइटम ख़राब है तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वहाँ चलते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आप देखिए, हमने ये सारा सिस्टम खोल दिया है। ये कवर था इसका जो इसके ऊपर लगा था, साइड में स्क्रू लगे थे, उसको निकाल के खोल दिया हमने। और क्योंकि हमने देखा यहाँ पे SMPS का इनपुट तो आ रहा है यहाँ से, यहाँ पे तो चेक करना आसान है, बट आउटपुट जो है यहाँ से निकल करके यहाँ पर जा रहा है इधर, तो इधर स्पेस हार्ड डालना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमने सारे मेम्ब्रेन्स बाहर निकाल दिया, ये क्लिप में लगे हुए थे सारे मेम्ब्रेन्स को निकाल दिया हमने, इसको साइड में रख देंगे। और देखिए हमने ये जो 24 वोल्ट जो आ रहा है इस SMPS से, वो यहाँ पर आउटपुट में आ रहा है। तो पहले हम लोग आपको दिखाएंगे चेक करके कि क्या 24 वोल्ट रियली में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या उसमें कोई ख़राबी है। तो ये हमने मल्टीमीटर DC में सेट कर दिया है, इसको हम लोग ऑन करेंगे। ऑन कर दिया हमने, तो यहाँ पे 24 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे ये जो हुक है इसको जस्ट पुश करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये 24 वोल्ट हम लोग मीटर में चेक करेंगे कि 24 वोल्ट आ रहा है क्या। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे हमने इसको लगा दिया और देखा कि ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। इट मीन्स ये SMPS तो परफेक्ट है, ये सही है, लेकिन जब हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो मेरा सिस्टम ऑन क्यों नहीं हो रहा है। ये देखिए, हमने यहाँ इसको कनेक्ट कर दिया, हमको सिस्टम ऑन नहीं दिख रहा, यहाँ पे कोई इंडिकेशन में नहीं आ रहा था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, ये यहाँ पे जो सप्लाई है इसका, तो ये खोलना आसान नहीं था। तो बैक साइड से हमने इसको खोला किसी तरीके से, और ये जो कवर है ये देखिए, ये ही कवर निकालना मुश्किल था, तो हमने इसको निकाल दिया किसी तरीके से। और ये इसका सर्किटरी है, तो इस सर्किटरी में ये लाइट पहले ग्लो भी नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे एक रीसेट बटन है, इस रीसेट बटन को हमने प्रेस किया। मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। तो अभी देखिए, ये हमने पास में देखेंगे तो इसका सर्किटरी में कुछ भी नहीं है अंदर,
ये सर्किटरी में हमने देखा तो ये एलईडी ग्लो, तो यहाँ पर एक रीसेट बटन दिया है, इसको जब हमने प्रेस किया, जैसे ही प्रेस किया तो ये लाइट तो चला चालू हो गया, लेकिन अभी ये ग्रीन नहीं हो रहा, ग्रीन नहीं हो रहा इट मीन्स सिस्टम ऑन नहीं है। और ये जो कनेक्शन है ये यूवी लाइट का कनेक्शन, यहाँ पर ये वाला जो कनेक्शन है वो यूवी लाइट के लिए है, जो यहाँ पे यूवी लाइट आ रहा है उसका कनेक्शन, ये प्लग है, इसको यहाँ पे लगाएंगे। और तब भी देखता हूँ मैं तो आता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे लाइट ही नहीं ग्लो हो रहा था यूवी लाइट का, तो डाउट लगा कि कुछ तो इशू है इस कार्ड में, बट अभी लाइट ग्लो हो रहा है तो इसका मतलब कार्ड भी सही है, तो और कुछ तो प्रॉब्लम है, कोई दूसरा प्रॉब्लम है। तो अब हमने देखा कि हो सकता है कोई इंटरलॉक फेल हो रहा होगा, तो हमने ये देखा ये स्विच, माइक्रो स्विच, यहाँ पे दो माइक्रो स्विच है, एक ये है ये वाटर लेवल को सेंस करता है, और यहाँ पे एक प्रेशर स्विच है, दो ही कनेक्शन आ रहे थे, बाकी सब तो मोटर के लिए जा रहा है और तो कोई दूसरा कनेक्शन नहीं है, और यूवी लाइट का अलग से दिया हुआ है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तब हमने देखा कि वहाँ तो कुछ इश्यू नहीं है, यहाँ पे क्या हो सकता है, मैंने सोचा कि चलो इसको शॉर्ट करके देखते हैं, तो चलिए हम इसको एक बार शॉर्ट करके देखते हैं। ये स्विच का ये कनेक्शन चाहिए तो आप निकाल सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे 24 वोल्ट ही है, तो ये दोनों कनेक्शन आई विल रिमूव इट। तो ये हमने निकाल दिया कनेक्शन, और इन दोनों कनेक्शन को हम शॉर्ट करके देखेंगे, क्योंकि ओपन में तो फेल आ रहा है, तो हम इसको शॉर्ट कर देंगे। देखिए हमने इसको शॉर्ट कर दिया और यहाँ पे ये पिप 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 कर रहा है, इट मीन्स ये सिस्टम तो सही है। अभी देखिए यहाँ पे कुछ कुछ काम करना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इसको प्रेशर नहीं मिल रहा है सही से, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था, तो हमने इसको ऑन कर दिया। प्रेशर अभी पानी भी नहीं है तो इसलिए खींचेगा नहीं वो, इसको हम निकाल देंगे। और प्रॉब्लम था किसमें, इसके अंदर प्रॉब्लम था, तो एक बार इसको हम लोग ऑफ करेंगे और फिर से कनेक्ट करेंगे, ताकि उसको सिस्टम को लगे कि प्रेशर सब कुछ सही है। ये हमने कनेक्ट कर दिया, अब हम ऑन करेंगे, तो देखिए रेड रेड लाइट आया और बीप बीप करने लगा। क्यों बीप बीप कर रहा है, क्योंकि हमने ये जो कनेक्टर है यूवी लाइट वो कनेक्ट नहीं किया है, तो हम इसको भी एक बार कनेक्ट कर देंगे और चेक करेंगे सिस्टम को। तो हम ऑफ करते हैं, हमने ऑफ कर दिया, अब यूवी लाइट को कनेक्ट कर देंगे, ये हमने इस तरह से रख दिया, अभी हम लोग ऑन करके देखेंगे। ये हमने ऑन किया, यहाँ पे रेड आया, बीप बीप का साउंड भी नहीं आ रहा है। अब देखिए सिस्टम ऑन हो गया, मोटर ऑन होगा, अब देखिए देखिए सॉरी पानी आने लगा, मोटर ऑन हो गया, इट मीन्स सिस्टम वर्किंग फाइन, एलईडी भी ग्रीन हो गया था। हम आपको एक बार पास से दिखाएंगे कि कैसे एलईडी ग्रीन होता है। देखिए हम स्विच ऑन करेंगे, हमने स्विच ऑन किया और यहाँ पे देखिए रेड इंडिकेशन आ रहा है, ये रेड आ रहा है यहाँ पे रेड एलईडी, अब देखिए ग्रीन हो गया और सिस्टम ऑन हो जाएगा। अभी देखिए यस साउंड आ रहा है आपको, और यूवी लाइट भी ग्लो हो गया, आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ये देखिए ये यूवी लाइट ग्लो हो गया और साउंड भी आ रहा है और एलईडी भी यहाँ पे ग्रीन हो गई। तो इस तरह से हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत देखिए कुछ भी पैसा नहीं लगा और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमको पता चल गया। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम है इसमें, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको निकाल के देखते हैं, क्योंकि हमने इसको शॉर्ट कर दिया। अभी देखिए हम इसको निकाल देते हैं तो प्रॉब्लम आना चाहिए, देखिए हमने इसको निकाल दिया, फेल हो गया, रेड का इंडिकेशन आ गया, रेड एलईडी ग्लो हो गई और फेल हो गया सिस्टम, सारा सिस्टम बंद हो गया, यही प्रॉब्लम हुआ, और वो इंडिकेशन मेरे को नहीं दिखाई दिया, इसलिए मेरे को इतना तामझाम करके खोलना पड़ा सिस्टम। ओके तो अब ये वाला प्रॉब्लम को हम देखेंगे कैसे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, फिर सिस्टम में लगा के इसको रीइंस्टॉल कर देंगे और सिस्टम को चलाएंगे। तो हम इस पोर्शन को देखेंगे, इसको हम निकाल लेंगे एक बार, तो इसको निकालने के लिए जैसे इस बटन को पुश पुश करना है अंदर और इसको खींच लेना बाहर, तो ये आ जाएगा, तो ये निकल के बाहर आ गया। ओ माई गॉड, अंदर देखिए बहुत सारा कचरा जमा हुआ है, इसलिए उसको पानी का प्रेशर सेंस नहीं कर पा रहा है, वो पूरा चोक दिखाई दे रहा है उसको, इसलिए ये सिस्टम फेल आ रहा था।
तो हम लोग चलिए इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं और फिर देखेंगे कि क्या काम करेगा। और इस पाइप में देखेंगे एक बार, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है हमको, बट यहाँ पे हमको ये पूरा चोक दिखाई दे रहा है। इसको पूरा प्रेशर का फॉल्ट आ रहा था। तो चलिए हम लोग इसको क्लीन करते हैं, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसको तो निकाल तो दिया, अभी हम लोग देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको निकालने के लिए इस पाइप को एक बार निकालना है, देखना है कि अंदर कुछ फंसा तो नहीं है। तो इस क्लिप को बाहर निकालेंगे, ये क्लिप बाहर निकल जाएगा और इसको प्रेस करेंगे ब्लू वाले को अंदर, और इसको खींचेंगे तो बाहर निकल जाएगा। तो हमें इसके अंदर तो कुछ कचरा नहीं दिख रहा, इस पाइप में देखेंगे एक बार, ये पाइप ही चोक दिख रहा था। देखिए यहाँ पे, ये देखिए कचरा आया बाहर, देखिए पूरा कचरा था इसके अंदर में, और इसीलिए सेंस नहीं कर रहा था ये। तो इसको एक बार थोड़ा सा खाली करके देखेंगे, इसमें कुछ कचरा नहीं होना चाहिए। यस, तो ये तो लगभग सही दिख रहा है। हम इसको एक बार सही कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि कैसे हमने इसको सही किया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये लिमिट स्विच को देखा मल्टीमीटर से, देखिए हम आपको दिखाते हैं, तो कंटिन्यूटी नहीं आता है। अभी इस तरह से शॉर्ट आ रहा है, लेकिन इन दो पॉइंट पे, इसमें और यहाँ पे, हमने जब इसको कनेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। तो कंटिन्यूटी आने के लिए प्रेशर आना चाहिए, तभी कंटिन्यूटी आएगा। तो यहाँ पे हम इसको लगाते हैं ऐसे करके, और यहाँ से हम पानी का प्रेशर की जगह हम नॉर्मल एक वायर से कर रहे हैं। देखिए हमने ज़्यादा प्रेस किया तो शॉर्ट हो गया अंदर, और कंटिन्यूटी आने लगा। मतलब पानी का प्रेशर मिनिमम आना चाहिए, तभी वो ऑन होगा, अदरवाइज फॉल्ट दिखाएगा और सिस्टम ऑन नहीं होगा। तो हमने इसको अंदर भी खोल के देखेंगे कि क्या है इसके अंदर में। तो हमने ये चार स्क्रू खोल दिए थे, और इस चार स्क्रू खोलने के बाद में देखा तो अंदर ऐसा आ रहा है। और यहाँ पर आप देखिए, इस साइड में यहाँ पर जिसमें हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दे रहे थे कनेक्टर पे, यहाँ पे एक माइक्रो स्विच लगा हुआ है। इसको प्रेस करते हैं, दिखाई दे रहा है आपको, इसको जब प्रेस करते हैं तो आता है कंटिन्यूटी का साउंड। मीन्स जब पानी का प्रेशर आता है तो वो इसको हिट करता है और इसको प्रेस कर देता है। तो हमको यहाँ पे सेंस हो जाएगा और सिस्टम को पता चल जाएगा कि पानी आ रहा है, सिस्टम को आप ऑन कर सकते हैं। पानी नहीं आएगा तो ऑफ कर देगा। और यहाँ पे देखिए कैसा सिस्टम बना है, मैकेनिज्म। यहाँ पे हम पानी का प्रेशर ये लगाते थे पाइप और उसको कनेक्ट करते थे। तो देखिए यहाँ पे क्या मैकेनिज्म है, ये एक जस्ट प्लंजर है और हिट, और ये एक यही वाला प्लंजर इसको जाके हिट करता है यहाँ पे, और पानी को इधर से उधर ना जाने के लिए इधर एक वॉल्व दिया हुआ है। दिस इज़ द वॉल्व, ऐसा मैकेनिज्म है। इस वॉल्व से यहाँ से देखिए आप पानी डालेंगे, यहाँ से देखिए पूरा अंदर आर पार दिखाई दे रहा है। मतलब पानी यहाँ से आता है, यहाँ से इस पे जाता है और यहाँ पे हिट करता है, और यहाँ पे लॉक हो जाता है, पानी बाहर नहीं आएगा जब पूरा टाइट हो जाएगा। तो ये लॉक है पानी को बाहर न, उस साइड ना जाने के लिए। और इसको यहाँ पे लगा दिया जाता है इस तरह से, ये इस तरह से लगा रहेगा ताकि वो उसको दबा के रखे, और ये सारा मैकेनिज्म के थ्रू ही सिस्टम ऑन हो रहा है। तो चलिए हम इसको एक बार, अभी तो हमने देखा इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा हमको, हम इसको एक बार रीइंस्टॉल करेंगे, फिर देखेंगे क्या सिस्टम ऑन होता है कि नहीं ऑन होता है। तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग। तो हमने इसको पूरा फिर से कस लिया है, इसको जैसे था वैसे रख कर दिया। अब इसको हम सिस्टम में इंस्टॉल कर देंगे उस प्लेस पे, और सिस्टम को चला के देखेंगे काम करता है कि नहीं करता है। तो चलिए हम इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। गाइस, एक चीज़ मैंने और नोटिस किया, ये जो फर्स्ट मेम्ब्रेन है, जो पहला मेम्ब्रेन कनेक्टेड है, वो चोक भी हो सकता है। अगर वो चोक हो गया तो भी प्रॉब्लम आ जाएगा। ओके, तो अगर वो चोक हो गया मीन्स आपको फिल्टर आपका ख़राब हो चुका है, आपको रिप्लेस करना है। रेड इंडिकेशन का मीन्स वो भी है। तो आपके फिल्टर को रिप्लेस करने का आपको इंडिकेशन दे दिया उसने। हमने अभी इसको पानी भर के थोड़ा सा क्लीन किया है इसको, हम देखेंगे फिल्टर हम बाद में भी चेंज कर लेंगे। अभी एक बार इसको चला के देखेंगे सिस्टम चलता है सही कि नहीं चलता है। तो हम लोग जस्ट इसको सारा कुछ कनेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम सारा कनेक्शन कर लेंगे। कनेक्शन करने से पहले हम लोग पहले इस सर्किटरी को इंस्टॉल कर लेंगे। Bye.
सो गाइस, यहाँ पे हमने इसको सारा कनेक्शन कर लिया है। अब हम लोग इसको इसका इनपुट कनेक्शन करेंगे, पानी का कनेक्शन। तो पहले हम पानी ऑन के देखेंगे, पानी में प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए प्रेशर तो पानी में बहुत तेज आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो पानी का प्रेशर आ रहा है, हम ऑफ करेंगे पानी। और यहाँ पे जो मोटा वाला पाइप है उसको मोटे वाले के साथ में कनेक्ट कर देंगे और प्रेस कर देंगे, क्योंकि ये पुश फिट कनेक्शन है तो उसमें जाके आराम से कनेक्ट हो जाएगा। और ये आउटलेट है, आउटलेट वाला हम लोग ब्लू वाला कनेक्ट कर देंगे। तो ये आउटलेट है पतला वाला, तो इससे पतला वाला कनेक्शन कर दिए ताकि पानी बाहर निकल जाएगा, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग ऑन करके देखेंगे क्या सिस्टम ऑन होता है कि नहीं होता है। जब हमने स्विच को ऑन किया तो देखिए, अभी वेट करते हैं। सो गाइस, देखिए मोटर भी ऑन हो गया है, आपको साउंड भी सुनाई दे रहा होगा। आपको ये साउंड सुनाई दे रहा है, मोटर चलने का साउंड सुनाई दे रहा है आपको। और हम आपको पानी का आउटलेट भी दिखाते हैं। देखिए इसमें पानी, यहाँ से आउटलेट से पानी भी निकल रहा है। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम काम हो गया। अब हम आपको यूवी लाइट भी दिखा देते हैं कि यूवी लाइट ऑन है कि नहीं ऑन है। तो यहाँ पे देखिए यूवी लाइट लगी होती है। अब इसको हम थोड़ा सा ढकेंगे तो देखिए, क्योंकि दिन में हमको दिखाई नहीं देता है तो थोड़ा सा अंधेरा करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हमको यूवी लाइट भी दिखाई दे रही है। इस साइड भी हम देखेंगे तो हमको यूवी लाइट दिखाई देगी। आपको थोड़ा सा ये देखिए, यहाँ पे आपको ग्रीनिश दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वो यूवी लाइट ऑन हो गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अपने देखिए कैंट को रिपेयर कर लिया और हमने पैसे भी बचा लिए और सिस्टम भी काम करने लगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप इसका ये प्रेशर देना चेक कर लीजिए। अगर फिर भी नहीं सॉल्व होता है तो इसके मेमोरिन को चेंज कर, अभी इसके मेमोरिन को चेंज करने वाला हूँ। इसका मेमोरिन जब मैं ऑनलाइन परचेज कर लूंगा तो मैं रिप्लेस करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, इसके सारे मेमोरिन को। क्योंकि मैं कैंट के और तेज डीजल को नहीं बुलाने वाला, क्योंकि ये आउट ऑफ वारंटी है और बहुत चार्ज भी क्रिएट करेगा। तो ऑनलाइन इसका मेमोरिन भी मिलता है, वो भी मैं परचेस करूंगा। जहां से परचेस करूंगा वो लिंक भी आपको उस वीडियो में जरूर दूंगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए मुझे, क्योंकि ये आप सभी लोग को हेल्प करने वाला है आगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग वीडियो को स्टॉप करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।